अगर मान लिए नहीं था जहाज में से, अगर ये था तो एक और ऑर्डर परफेक्ट सेम है, इसीलिए फॉर्मूले में 2 साइन आ रहा है क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हैं। हर 90 45 into 2 is 90, तो वैल्यू मैक्सिमम 90 पे जाती है, तो इसमें 45 पे ही 90 चला जाता है, यहाँ पे 90 into 2 is equal to 180 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे 0 हो जाता है। सो हर कार्डिनल पे चेंज होता है साइन, हर कार्डिनल पे एक्चुअली 0 है, उसके बाद बदल जाता है साइन दूसरी तरफ। सो दिस चेंजेस एज ट्वाइस द साइन ऑफ कंपास कोर्स। आप लोग पढ़ने नहीं दे रहे हो आगे, चलो सर हो गया। मैं तो वेरीफाई कर रहा था कि साइन का डबल कर रहा हूँ तो आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। नाउ The solution to this problem is very important, क्योंकि इससे question पूछे जाते हैं। So how it is corrected? There is a compass. Compass के athwart shape में हम लोग दो soft iron के balls लगाते हैं, spheres. अगर आपने कंपास बिनाकल देखा है तो यहाँ पे कंपास होती है और इसके साइड में दो ब्रैकेट बने होते हैं, करेक्ट, और इसके ऊपर में दो स्फीयर्स बने होते हैं, दे आर सॉफ्ट आयरन स्फीयर्स नोन एज क्वाड्रेंटल करेक्टर स्फीयर्स, मोस्टली दे आर अलाइन अथवाट्स। Like this. अब इससे होगा क्या? तो जब इस नॉर्थ हेडिंग पे है, मान लीजिए कौन सा केस उठाए, प्लस डी माइनस डी, कौन सा केस उठाए, प्लस डी में कौन सा ए रॉड ई रॉड प्लस माइनस ई रॉड माइनस ई कर, माइनस ई से काम, ठीक है, माइनस ई से काम। अब यहाँ पे जब चल रहा है तो माइनस ई रॉड है और यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन लगाए हैं। सॉफ्ट आयरन में ये मैग्नेटाइज होगा क्या, माइनस ई रॉड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका फॉरवर्ड पार्ट थोड़ा सा मैग्नेटाइज तो होगा, नहीं मैग्नेटाइज, अभी करा थोड़ा स्ट्रॉंग, अभी कराता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं हम, कुछ भी करा देंगे, देखो एक आईसी लगा देंगे काम चेंज हो जाएगा पूरा, बहुत ट्रांसमीटर रिपेयर की सेंस इट इज स्फीयर, सो फॉरवर्ड पार्ट एंड आफ्ट पार्ट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रनिंग लाइक दिस, मतलब ये एच के ऑपोजिट चल रहा है, ये जो है ये एच के ऑपोजिट चल रहा है, बट डेविएशन, डेविएशन तो नहीं, कम कर देगा बस, डायरेक्टिव फोर्स को कम कर दिया, कम कर देगा सिर्फ डायरेक्टिव फोर्स को, फोर्स नहीं डायरेक्टिव फोर्स, जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं डायरेक्टिव फोर्स, डायरेक्टिव फोर्स, डायरेक्टिव फोर्स को कम कर देता है लेकिन डेविएशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। देन वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो स्फीयर्स तो यहाँ है, कंपास यहाँ है और इसका जो कंपास है वो ऐसे रहेगा, सॉरी वो ब्लैक नहीं है वो रेड। अब इसमें
ये वाली ब्लू होगी, ये वाली ब्लू होगी, ये रेड होगा, ये रेड होगा, हो गया नहीं? तो एक ब्लू पोल फॉरवर्ड बन गया, हाफ मेरिट बन गया, तो डीएफ बढ़ा देगा, एच प्लस एफ दोनों मिलकर के ये बढ़ा देगा कि वैल्यू, यस डेविएशन, ठीक है, डेविएशन अभी भी नहीं। जब हम इस कोर्स पे जाते हैं तो कंपास यहाँ पे, करेक्टर्स यहाँ पे, इसमें रेड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, स्फेयर है, तो हमेशा फॉरवर्ड की तरफ तो वही बनेगा, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, तो यहाँ अभी भी वही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे डेविएशन कौन सी हुई थी अगर ये नहीं था, कौन सा रॉड लिया था हमने, ये लिया था माइनस ई, तो इस तरफ में यहाँ पे रॉड पे रेड बना था इस माइनस ई में, अभी इसके चलते यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू, तो उसका काउंटर करेगा कि नहीं, यस करेगा। अब यहाँ पे जितना इसने रेड के साथ इसको रिपेल किया उधर, उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये ज्यादा मैग्नेटाइज होता है तो हम इसको और थोड़ा सा नजदीक कर देंगे, यहाँ से बोर्ड को खोल करके थोड़ा सा स्लाइड करके नजदीक कर देंगे। It has that groove जिसमें it can be स्लाइडर बना होता है, स्लॉट कटा होता है, yes. उसको ढीला करके थोड़ा और नजदीक कर देंगे तो इंक्रीज द इफेक्ट, इफ यू वॉन्ट लेस इफेक्ट देन वी स्लाइड इट अवे फ्रॉम द कंपास। हम कौन से रॉड की बात कर रहे थे, माइनस ई, तो यहाँ पे माइनस ई है या नहीं, यहाँ पे एक रॉड होगी जो माइनस ई है या नहीं, यहाँ पे भी ये रॉड माइनस ई होगी या नहीं, अपवर्टिप प्लेन में अपवर्टिप रॉड, तो यहाँ पे ये मैग्नेटाइज होता है क्या, नहीं, लेकिन ये तो मैग्नेटाइज होगा, हमने बात कर लिया कि यहाँ पे एच इधर को है लेकिन ये वाली फील्ड चूंकि ऐसे जा रही है तो रिवर्स में जा रहा है, तो ये इसको कट करके इतना कर देगा, एच को कम कर देगा, डायरेक्टिव फोर्स विल बी लेस देन एच, बट इज इट कॉजिंग एनी डेविएशन, नो। दूसरा केस हमने लिया ये, इस केस में ये मैग्नेटाइज होगा कि नहीं, माइनस जीरो होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी, बनेगी, लेकिन जो हमारा कंडक्टर है उसमें भी ये फील्ड बनेगा कि नहीं, वो आप थोड़ा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सामने एक रेड पोल बनी थी, हमने सामने क्या बना दिया, ब्लू बना दिया, तो इफेक्ट इसका नलिफाई होगा कि रिवर्स डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इधर पर चल रहा है और ये इधर पर चल रहा है, ये वाला जो ब्लू है, ब्लू में लाइन जाती है और रेड से लाइन निकलती है, ये जो रेड बना था उससे इधर को आ रहा है और जो स्क्वायर में बना उसे वो उल्टा जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डेविएशन कुछ होगा फिर। सर इस वाले में तो जो फोर्स रेड से ब्लू ऐसे जा रहे हैं नीचे की तरफ, रेड से निकलती है और ब्लू में जा रही है, और यहाँ पे रेड से ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ये ऐसे ही होगा ना, रेड में जा रहा है ना, रेड में जा ही रहा है ना, और यहाँ पे तो ब्लू में जा रहा है ना सर, ब्लू में तो जा ही रहा है तो रेड में कहाँ जा रहा है, तो ये कंपास है, यहाँ पे एक तो है कंपास हमारा, यस सर, दूसरा एक है रॉड, हाँ, जो है माइनस ई रॉड, और उसके साथ हमारा है दो स्क्वायर, दो क्वाड्रेंटर्स ऑफ एन स्क्वायर्स, तो मान लो कि यहाँ पे
जब ये मैग्नेटाइज व्हील की हेडिंग पे जब जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे रेड बनेगा कि नहीं इस रॉड में? ऊपर रेड बनेगा, इसमें माइनस ई में, और इसमें यहाँ पे ब्लू बनेगा कि नहीं? तो सामने में एक रेड है, सामने में दूसरा ब्लू हो गया, तो दोनों कैंसिल करेगा? यस सर, एक जैक तो बराबर करा देगा तो नील हो जाएगा कि? एक जैक तो डेविएशन जीरो होगी कि? एक जैक, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ डेविएशन, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे डीएफ इज लेस देन एच, यस और नो? यस। यहाँ पे डीएफ ज्यादा इज इक्वल टू एच, इक्वल एंड ओपोजिट, हां दोनों का रिजल्ट ही ज्यादा होगा। ओके, आपस में लड़ मर के खत्म हो गया, एच एच बच गया। अब यही चीज जब उस डायरेक्शन में जाएगी तो कंपास तो हमारा ऐसे होगा, पर ये जो df is equal to h है सर, ये एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा। हां बनाना पड़ेगा, दैट वी हैव टू मूव दैट, मूव करना पड़ेगा। हां इसका इंटरेस्टिंग इस माइनस ए रॉड के इफेक्ट को नलीफाई तो करना है, अपने आप नहीं होगा, वो तो कंपास एडजस्टमेंट में होगा। और कोई भी मास्टर हम 90 डिग्री पे जाएंगे, स्फीयर्स हटा करके 90 डिग्री पे जाएंगे, मैक्सिमम होगी उस समय हम उसको करेंगे कि जितना डेविएशन था, किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का बेयरिंग लेंगे, विजुअल देखेंगे कि इतना बेयरिंग है और कंपास में तो इतना बता रहा है, मतलब इतना डेविएशन, उससे हम कम करेंगे ताकि वो पर इस हेडिंग पे नहीं कर सकते ना। कौन सा हेडिंग? कहीं इंटरमीडिएट हेडिंग पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम हेडिंग पर सारी करेक्शंस होती है, पर इस हेडिंग पे मैक्सिमम, इसी पे तो मैक्सिमम बनता है sin 2 cos 45। तो sin 90 is equal to how much? मैक्सिमम और मैं 90 डिग्री वाले कोर्स की बात कर रहा हूं। नहीं तो यहां तो जीरो हो जाता है, यहां जीरो है, यहां जीरो है, मैक्सिमम तो इस हेडिंग पे होता है, तो यहीं पे करना होगा, राइट? हां जी सचिन भाई, बराबर सर। यहां हमारी रॉड ऐसे थी जो माइनस ई रॉड थी, अथवा शिप में ऐसा कर रहा था, अब ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज होगा, ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज होगा, लेकिन सॉफ्ट आयरन करेक्शंस हमारे यहां पे, इसमें इधर को रेड बनेगा, इधर को रेड बनेगा, यहाँ ब्लू बनेगा, यहाँ ब्लू बनेगा, ठीक है। तो कंपास के इस तरफ में रेड बनी तो ब्लू भी बनी कि बनी? तो फिर लड़मर के खत्म होंगे कि? यहाँ पे कंपास के पीछे में रेड बना, ब्लू बनाइए, तो रेड बन गया कि? रेड बन गया, तो लड़मर के खत्म होंगे। तो यहाँ पे जितना डेविएशन जो इधर से जा रहा था, पहले क्या डेविएशन हुई थी? एच इधर था, एच इससे सीधा जा रहा है, और चूंकि ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है तो इधर को हुआ होगा, हां इधर ऐसे हो, तो डेविएशन जो थी हमारी ऐसे हुई और मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये हमने इसको कैंसिल किया तो ये कम हो गई कि नहीं डेविएशन? हो गई। इसको खत्म कर दिया तो खत्म हो गई कि नहीं? ठीक है, सो हाउ डी इज करेक्टेड? By quadrantal soft iron spheres. By quadrantal soft iron spheres of soft iron placed in athwartship orientation, which are placed on a bracket, which have usually rules. In the athwartship orientation, there is a slot for sliding the spheres close to the compass or away from the compass in order to obtain desired correction. ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। Write down a question. Question. Write down a question. How quadrantal corrector? How? Quadrantal character soft iron spheres, have a favorable result on the mean DF. मीन डीएफ क्या होगा? मीन डीएफ वही रिजल्टेंट जो निकल रहा है इसका।
mean of forward plus half plus 6 time into mean divided by 8. ना mean df means 360 डिग्री में df का क्या होता है? अगर आप b या c की बात बोलिए तो df यहाँ से पहले मैक्सिमम था, फिर कम हुआ, फिर मैक्स जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ उल्टा, फिर ये हुआ, जितना इधर बढ़ा उतना इधर खत्म हुआ, तो मीन क्या रहा? जीरो, उतना ही मीन, तो उतना ही ना. दस था, दो रुपए मिले, दो रुपए गए, तो कितना बचा? दस रुपए. जीरो तो नहीं बचे ना, दस ही बचे, मतलब नो चेंज. मीन डीएफ रिमेन सेम. अगर मेरे पास दस थे, पाँच मिले, दो चले गए, तो कुछ बचा एक्स्ट्रा हुआ? तो मीन डीएफ इज व्हाट वी आर सेइंग कि ओवरऑल नेट वैल्यू कितना रहा 360 डिग्री के डेविएशन. नहीं समझ में आया? कम हुआ इधर बढ़ेगा, बट इसमें भी तो वही बटरफ्लाई डायग्राम वो निकालो, ब्लू पोल फॉरवर्ड या रेड पोल फॉरवर्ड या कोई भी एक निकाल लो. ब्लू पोल फॉरवर्ड निकाल लिया. इसमें आप देखिए नॉर्थ पे क्या है डीएफ, मैक्सिमम. यहाँ पे क्या है? मोर देन एच. यहाँ पे इक्वल टू एच. यहाँ पे लेस देन एच. तो जितना मोर देन उतना लेस देन, यहाँ मिनिमम. जितना मैक्सिमम उतना मिनिमम, जितना बढ़ाया था उतना काट दिया, जितना कम हुआ था जितना बढ़ा दिया. यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, जितना बढ़ा उतना ले दे के बात बराबर, जितना दिया उतना लिया. सो मीन डी एफ अनचेंज्ड. इसमें भी फिर अनचेंज हो जाएगा. किसमें? इसमें. तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि हाउ इट इज इम्प्रूविंग द मीन डी एफ, राइट? अब इसी डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? DF is less than H. क्यों? क्योंकि H इधर को है और F जो है वो उल्टा है. That means when the ship is in a northerly course, the characters are actually cutting away from the H. H में से काट ले रहा है क्योंकि lines of forces यहाँ तो ऐसे चल रही है ना? एच उधर को है और ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, चूंकि यहाँ से रेड से निकलेगा और ब्लू में जाएगा, तो यहाँ कंपास पे ये वापस उल्टे डायरेक्शन में है. यस और नो? तो यहाँ पे डीएफ में से एच जो है वो माइनस कर रहा है. लेकिन जब हम नॉर्थ पर ईस्ट हेडिंग पे जाते हैं, व्हेन वी गो ऑन द ईस्ट हेडिंग, देन व्हाट इज हैपनिंग? ऐड कर रहा है. ऐड कर रहा है. तो यहां पे माइनस किया, यहां पे प्लस किया, तो बराबर हो गया. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब बराबर हो गया तो हाउ इट इज सेइंग, ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ फेवरेबल तो हुआ है. कैसे? हियर दिस इज द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रेंटल करेक्टर मैग्नेट. यस और नो? द कंपास इज विच साइड? उसके पोर्ट पे, ठीक है? यहाँ पे एक्सिस इज लाइक दिस. कंपास कहाँ है? फॉरवर्ड. इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड, उसको बोलते हैं एंड ऑन. कुछ याद आ रहा है? लेक्चर नंबर 1 जो मैंने किया. हाँ, तो यहाँ पे जो माइनस करेगा वो ब्रॉड साइड में कम करेगा और यहाँ पे बढ़ाएगा तो एंड ऑन पे बढ़ाएगा. तो जब बढ़ाएगा तो ट्वाइस टू दैट ऑफ जितना घटाएगा. सो ओवरऑल रिजल्ट इज सेम, बढ़ जाएगा. और अब हो ही जाओ, अब मार लो. ये और उससे भी बड़ी डिग्री होगा ना, ये काम होता है. तो मैग्नेट यहां पे ऐसे पैरेलल नहीं कर रही थी, वो बाकी जो होगा इन्हीं के बीच में होगा ना. एक मैक्सिमम कट कर रहा है, एक मैक्सिमम बढ़ा रहा है, बट जितना मैक्सिमम कट कर रहा है वो अगर x है तो जितना बढ़ा रहा है वो 2x है. मान लो h की वैल्यू फॉर ए नंबर से इज 20, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल से h की वैल्यू इज 20, व्हेन इट टेक्स अवे फ्रॉम 20 इट टेक्स 5. सो कितना बच गया इस हेडिंग पे? 15. df इज 15. व्हेन इट इज कमिंग हियर ऑन दिस कोर्स इट गिव्स एडेड अप 20. सो 20 के साथ 10 देता है, सो 30 हो गया.
फाइव माइनस किया था 20 से, ऐड किया तो 10 ऐड किया, क्योंकि वो एंड ऑन पोजीशन में है। इसका जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे एंड ऑन पे, द फील्ड स्ट्रेंथ इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द ब्रॉडसाइड। सो व्हेन इट इज एडिंग, व्हेन इट इंक्रीजेस द एच, इंक्रीज इन एच इज मोर ट्वाइस टू दैट ऑफ द डिक्रीज इन एच, एंड सो ओवर 360 डिग्री साइकिल द मीन डीएफ इज बेसिकली मीन इंप्रूव इंक्रीज, एच से ज्यादा एंड अप होता है इस पोटेंट की करेक्शन के चलते। आई बात समझ में? यस सर, लिख देंगे लिख देंगे तो ऐसा करो, या आपके पास बढ़िया सा है तो फिर हाँ प्रॉपर वर्डिंग वाला दे दो। क्या लिखा है? मोर थ्योरी अबाउट द एसआई स्फीयर, फोटो खींच करके इसमें इंप्रूवमेंट डालो। ऑफिस ऑफिस।